हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एमएस वर्ड के अंदर बिना सॉफ्टवेयर के पासवर्ड लगाना बताएंगे। तो आप ध्यान से समझना, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एमएस वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, विन लॉग प्लस आर प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद में इसको ओके करते हैं और यहाँ पे विन वर्ड लिखते हैं। ओके करने के बाद एक एमएस वर्ड की फाइल बनाते हैं और फाइल बनाने के बाद उसमें बिना किसी सॉफ्टवेयर से हम उस फाइल के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ध्यान से समझना। बाद में इसको ओके करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में एक फाइल बनाते हैं, इसमें एक कमांड होती है फाइल की, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और फिर ब्रैकेट बंद। एंटर करते हो तो एंटर करने के बाद में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड इसके अंदर टाइप किए हुए मिल जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। ये फाइल बनने के बाद में इसको हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद में हम इसमें फाइल का नाम देते हैं, जैसे कंप्यूटर नाम दे दिया आपने। और यहाँ पे हम भी टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें आपके जनरल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ जैसे 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 रिपीट, फिर 1 2 3 रिपीट, और इसके बाद में हम इसको ओके करते हैं। देखो ये जो है कंप्यूटर के नाम से सेव होगी। टाइटल बार पे हम अगर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो कंप्यूटर के नाम से सेव हो जाती है। इस फाइल को हम जब ओपन करते हैं दोबारा से तो इसमें अभी पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद में इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था, डेस्कटॉप के अंदर कंप्यूटर के नाम से ये फाइल है। इस फाइल को हम अगर क्लिक करते हैं, इस फाइल को अगर ओपन करते हैं, जैसे ही हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में तुरंत बाद इसमें पासवर्ड आपको लगाने होते हैं। अगर आपने सही से पासवर्ड अगर लगाए तो ये फाइल ओपन होगी, नहीं तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो देखते हैं इस फाइल को हम। अब देखो इसमें मैंने 1 2 3 लगाया था, यहाँ पे 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3, वन टू थ्री करने के बाद में पासवर्ड लगाने के बाद में फाइल आपकी ओपन हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एमएस वर्ड के अंदर जो है वो पासवर्ड लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसको ध्यान से देखो।